हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप ये बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली मैं एक नई ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो आज की कॉन्सेप्ट में आपको मैं सिखाऊंगा कि क्रिस फोटो एडिटिंग कैसे करें, इसकी और पीएनजी एंड बैकग्राउंड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो गाइस मैं इस वीडियो में आपको क्रिस फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो गाइस वीडियो में एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना, नेक्स्ट मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो में आपको लाता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। एंड गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम की लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं वहां भी डेली पोस्ट करता रहता हूं न्यू। तो गाइस मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। गो। तो फाइनली गाइस हम पिक्सि प्रो ऐप में आ चुके हैं। इस ऐप की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अन्यथा आप किसी ब्राउज़र से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, गेट ए पिक्चर पर क्लिक करना है, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाकर गैलरी में जाना है और अपने बैकग्राउंड को ले आना है आपको, और इसे आपको मैक्सिमम रख लेना है। सभी की लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, बैकग्राउंड और पीएनजी की। उसके बाद आपको इसे एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है आपको गाइस, और एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर क्रॉप एंड स्ट्रेंथम इस पर क्लिक कर देना है। एंड इसको आपको इंस्टाग्राम साइज का रख लेना है, हम इसे स्क्वायर में रख लेंगे, स्क्वायर रिव्यू हम रख इसे रेशियो में इसे रख लेंगे गाइस, और डन कर देंगे। उसके बाद गाइस हमें इसके बाद गाइस आपने क्रिस मूवी में देखा होगा कि एक क्रिस हमारे ऋतिक रोशन सर एक हेलीकॉप्टर का पीछा करते हैं, तो हमें एक एयरप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी पीएनजी मैंने ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है। तो आप इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इंसर्ट वाले पिक्चर पर जाकर इस एयरप्लेन की पीएनजी को लेकर आएंगे। मैंने इसकी भी लिंक टेलीग्राम पर चैनल पर दी हुई है सभी की, आप जा सकते हैं। आप इस एयरप्लेन पीएनजी को लाकर अपने बैकग्राउंड को इसे अच्छी प्रकार से इसे एडजस्ट कर लेना है गाइस। इसे जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको इसे अपने बैकग्राउंड में एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसे सिंपली आपको डन कर लेना है गाइस। तो गाइस हमारा यहाँ तक काम होने के बाद हमको गाइस में एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर इसको थोड़ा हम ब्लर कर लेंगे। तो ब्लर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और इसको हम ब्लर रख लेंगे गाइस। जैसे कि हम मैं बताता हूँ आपको गाइस, हमें इसको आपको 6.28% में आपको इसे ब्लर रख लेना है गाइस, और रखने के बाद इसे सिंपली आपको डन कर देना है। इसके बाद यहाँ तक काम होने के बाद गाइस हमको अपने मॉडल की पीएनजी को लेकर आना है, आपने कटिंग करी हुई है आपने फ़ोटो की जो। उसके बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाकर इंसर्ट पिक्चर में जाकर अपने गैलरी में अपने मॉडल की पीएनजी को ले आएंगे, जिस प्रकार मैं लिया है। तो इस प्रकार आपने फ़ोटो खिंचाई होगी गाइस, तो आपने उस फोटो की कटिंग कर लेनी है। कटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप देख सकते हैं जाकर। तो गाइस इस प्रकार अपने मॉडल की पीएनजी को लाकर इसे अपने बैकग्राउंड में एडजस्ट करना है अच्छी प्रकार से, जिस प्रकार मैं करते जा रहा हूँ उसी प्रकार आप देखते जाइए। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आपको फुल करना वॉच करना है, नहीं तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा गाइस। तो आपको इसे डन कर देना है एडजस्ट करने के बाद अपने फ़ोटो को। उसके बाद गाइस आपने देखा क्रिस मूवी में मास्क की जरूरत पड़ती है, उसके बाद ही हमारा फोटो बिल्कुल क्रिस जैसा लगेगा। तो हमने मास्क की पीएनजी भी ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है, उसके बाद उसको भी हम लेकर आते हैं गाइस। तो उसके बाद हमें दोबारा से हम इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे गाइस। तो हम गाइस इसे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाते हैं एंड इंसर्ट पिक्चर पर जाने के बाद दोबारा से गैलरी में आ जाएंगे। गैलरी में आने के बाद गाइस आपको एक मास्क की पीएनजी ले लेनी है क्रिस के मास्क की, तो इसे आप इजीली ले आएंगे और अपने इस फेस पर इसे एडजस्ट करेंगे बिल्कुल अच्छी प्रकार से स्मूथ तरीके से। तो गाइस हमें जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से अपने मास्क की पीएनजी को अपने फेस पर एडिट करना है आपको, एडजस्ट करना है। उसके बाद गाइस आपको इसे अच्छी प्रकार से एडजस्ट कर लेना है जिस प्रकार मैं करते आ रहा हूँ। तो गाइस हमें इस प्रकार इसे रख लेना है, तो आप देख सकते हैं गाइस मैंने इस प्रकार इसे अपने फेस पर एडजस्ट कर लिया है गाइस। तो गाइस मैंने इसे एडजस्ट कर लिया गाइस, आपको ये मास्क थोड़ा ब्लैक नज़र आ रहा होगा, तो इसे हम थोड़ा सा वाइट करेंगे। तो उसके बाद इसको वाइट करने के लिए गाइस आपको करना क्या है, थ्री डॉट पर जाकर आपको इसकी
ब्राइटनेस पर जाना है एंड इसको ब्राइटनेस को आपको बढ़ा लेना है थोड़ा। जैसे कि मैं ब्राइटनेस को 14% रख लेता हूँ, तो ब्राइटनेस देख सकते हो गाइस आप, हमारा थोड़ा ब्राइटनेस हुई है। उसके बाद आपको अगेन 3 डॉट पर जाकर आप इसकी एक्सपोजर एंड कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं गाइस। मैंने इसमें एडजस्ट RGB भी एडजस्ट किया हुआ है गाइस, तो -5% मैंने इसे रख लिया है गाइस। तो इसे हम दोबारा से हम 3 डॉट पर जाएंगे एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाकर आपको इसे एक्सपोजर एंड कॉन्ट्रास्ट पर जाकर इसे आपको दोबारा से इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, जिससे कि हमारा मास्क हमारे फेस में एडजस्ट हो जाए एंड स्मूथली अच्छा लगे। तो गाइस आपको इसे अच्छी प्रकार से इस पर एडजस्ट करने के बाद इससे लिए आपको डन कर देना है। और डन करने के बाद गाइस आप उसके बाद डन करने के बाद गाइस आपने देखा होगा क्रिस ऋतिक रोशन सर की आज ग्रीन सी होती है, उसके लिए हमें पिक्सार्ट ऐप में चलना होगा। तो हमें इसे यहाँ से पिक्सार्ट ऐप में शेयर कर देते हैं डायरेक्टली। तो गाइस हम पिक्सार्ट ऐप में आ चुके हैं। तो पिक्सार्ट ऐप में आने के बाद गाइस आपको सिंपली अपनी आँखों को ग्रीन कलर की करने के लिए आपको रीटच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो रीटच वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और रिटर्न करने के बाद आपको फर्स्टली ब्लेमिश का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो ये ब्लेमिश का ऑप्शन है, तो इस पर हम जो भी हमारे चेहरे पर दाग धब्बे हैं इस, तो गाइस इसे टच करते ही अपने चेहरे पर जो तिल या दाग मुहासे होते हैं वो स्मूथली हट जाते हैं और हमारे फोटो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है हमारा चेहरा। तो हमें ये तिल रखने देना है, अच्छा रहेगा। तो गाइस अपना आपको इस प्रकार ऐसे ब्लेमिश ऑप्शन पर जाकर इसे स्मूथ कर लेना है, उसके बाद इसे डन कर देना है गाइस। आपको रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद दोबारा से आपको रिटच वाले ऑप्शन पर जाना है एंड गाइस इसमें एक ऑप्शन है ये आइज़ कलर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे गाइस। तो आई और इसको हम ग्रीन मोड में रख लेंगे गाइस। तो ग्रीन मोड में इसे रख लेना है एंड ओपेसिटी एंड सेचुरेशन को अपन इसको बढ़ा लेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस ये हमारी ग्रीन कलर की हो चुकी है। उसके बाद आपको रेज वाले ऑप्शन पर जाकर जो भारी हिस्सा आ रहा है उसे आपको रेज कर देना है, जिससे कि हमारे एडजस्ट हो जाएं हमारी आइज़। तो आपको इस प्रकार से रेज कर देना है जो भारी हिस्सा है, भारी हिस्से को हम इस प्रकार रेज कर देंगे गाइस। तो इस प्रकार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसे आपको इस प्रकार रेज कर लेना है गाइस। इरेज करने के बाद इसे आपको देख सकते हो गाइस आपको इस हमारी आंखें ग्रीन कलर की थोड़ी लग रही हैं क्रिज जैसे, इसके सिंपली डन कर देना है और एक बार और राइट डन कर देना है। तो इस एक बार इसे आप राइट डन कर देंगे तो गाइस हमें हमारी थोड़ी ज़्यादा ग्रीन हो चुकी हैं, आप अपने हिसाब से कर लेना, मुझसे हो गई है कुछ ज़्यादा। उसके बाद गाइस हमें अपने लिप्स को थोड़ा सा रेड करना होगा, उसके लिए आपको ड्रॉ टूल में चलना है, ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड कलर्स वाले ऑप्शन पर जाकर आपको गुलाबी कलर का ये कलर सेट कर लेना है। उसके बाद आपको एक ब्रश चूज कर लेना अच्छी प्रकार सा और इसकी साइज आपको 50 बढ़ा के देख लेनी है अपने हिसाब से एंड अपने लिप्स पर इसे पेस्ट कर देना है। तो आपको इसे इस प्रकार अपने लिप्स पर पेस्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको एक लेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, ये पास में एक लेयर का ऑप्शन है, इसे आप लेयर और इसकी ओपेसिटी करते ही आप देख सकते हैं गाइस हमारे लिप्स की एडजस्ट हो जाएंगे रेड। तो हमारे लिप्स और इसके डिस्कार्ड कर देना है गाइस। तो आप देख सकते हैं हमारे लिप्स थोड़े रेड से लग रहे हैं। उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, आपको इस फोटो की कलर ग्रेडिंग के लिए आपको इसे लाइटरूम ऐप के अंदर ले चलना है। तो गाइस आपको इसकी कलर ग्रेडिंग मैंने पहले ही करके रखी हुई है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा, आप ध्यान से अपनी फ़ोटो को करते रहना। तो गाइस मैंने पहले ही करके रखी हुई है, आप अपने हिसाब से करते रहना, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ आप इस प्रकार करते रहना। तो चलते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर गाइस, तो मैं इसे लाइटरूम ऐप के अंदर शेयर कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस मैं इसे लाइटरूम ऐप के अंदर ले चलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं लाइटरूम ऐप के अंदर आ चुका हूँ। तो लाइटरूम ऐप में अपने फ़ोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये रहा गाइस, तो इसे मैं इंपोर्ट कर लूँगा।
तो करने के बाद गाइस मैंने इसमें पहले ही आपको मैंने बताया था कि मैंने पहले ही इसकी कलरिंग करके रखी हुई है, तो आप अपने हिसाब से करके देख लेना जिस प्रकार मैं आपको इसके स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ मैंने किस प्रकार इसकी कलरिंग की थी। तो सबसे पहले मैं लाइट वाले ऑप्शन पर गया गाइस, तो आप देख सकते हैं एक्सपोजर को मैंने -11 एंड कॉन्ट्रास्ट को +6, हाईलाइट को -5, शेडो को 43 एंड वाइट को मैंने 1% एंड ब्लैक्स को -13% रख लिया गाइस। तो इस प्रकार मैंने इसकी लाइट का एडजस्ट किया लाइटिंग का। उसके बाद लाइट कलर वाले ऑप्शन पर गया गाइस इसमें, तो वाइब्रेंस को देख सकते हो आप, तो मैं इसको रेड टोन को मैंने गाइस -7% और ह्यू को रख ला, और स्किन टोन को मैंने -13 एंड आप देख सकते हो गाइस मैंने इस प्रकार अपने टोन को रखता गया, सेचुरेशन को -8% एंड ब्लू टोन को -2 रख लिया मैंने गाइस। उसके बाद अब मैंने एक ग्रेडिंग ली ब्लू टोन की गाइस, उसको भी मैंने एडजस्ट किया बैलेंस किया गाइस, तो बैलेंस मैंने 36% कर लिया। उसके बाद आपको इस प्रकार करने के बाद आपको मैंने इसमें थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ाई जिसमें हमारी फ़ोटो की क्लियरिटी आ जाए गाइस, शार्पनेस मैंने 56% बढ़ा ली थी गाइस। तो शार्पनेस बढ़ाने के बाद दोस्तों मैं इसकी थोड़ी सी ग्रेन बढ़ा ली थी, आप चाहे तो आप इसकी क्लैरिटी भी बढ़ा सकते हैं, मैंने नहीं बढ़ाई है आज, तो ग्रेन मैंने 10% बढ़ा ली थी जिससे कि हमारी फ़ोटो ओरिजिनल सी रियलिस्टिक सी हो जाए। तो गाइस मैंने इस प्रकार इस फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग की थी गाइस, तो आप देख सकते हो गाइस इस प्रकार आपको फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग की है, आप टोन ग्रेडिंग अपने हिसाब से ले सकते हो, मैंने इसको एक्सपोर्ट पर जाकर आपने गैलरी में आपको सेव कर लेना है। तो गाइस हमारी फ़ोटो यहाँ तक बनके तैयार होती है क्रिस, आप देख सकते हैं कितनी रियलिस्टिक एंड लग रही है हमारी क्रिस फोटो एडिटिंग। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।